हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। इससे पहले दो रिएक्शन अपन वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने पढ़े थे। उसी के सीक्वेंस में तीसरी नेम रिएक्शन और फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। शार्पलेस साइंटिस्ट का नेम है। एसिमेट्रिक वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां अकायरल मॉलिक्यूल से कायरल मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब सिमेट्रिक से क्या हो गया, एसिमेट्रिक, इसलिए इसे एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन कहते हैं। अब इपोक्सीडेशन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें इपोक्साइड बनता है, और इपोक्साइड क्या होते हैं, थ्री मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटरोसाइकल्स। 1980 के बाद अप्रोक्स अगर देखें तो उन दोनों के बीच में, 1980 या 1981 के बीच में ही, शार्पलेस और उसी का एक कोवर्कर, उसका साथी कैसुकी, इन दोनों ने मिलकर के इस रिएक्शन को रिपोर्ट किया और इनके इस काम को नोबेल प्राइज भी मिला था 2011 में। ये नोबेल प्राइज शार्पलेस को जॉइंटली दिया गया था टू अदर साइंटिस्ट के साथ में। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? पहला विलियम एस नॉल्स, दूसरा रोजी नोयोरी। इन दोनों को उस प्राइज का 1/4 पार्ट दिया गया था, और उस प्राइज का आधा पार्ट, हाफ प्राइज, किसको दिया था, शार्पलेस को, के बी शार्पलेस, कार्ल बरी शार्पलेस का पूरा नाम है। इन दोनों साइंटिस्ट को तो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था उनको एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन के लिए, मतलब कायरलिटी जनरेट कर, तो कायरल हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। लेकिन शार्पलेस को किसके लिए मिला था, एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन के लिए। अकेला शार्पलेस ने इपोक्सीडेशन ही नहीं दिया, इपोक्सीडेशन के अलावा शार्पलेस ने और भी कई रिएक्शन दी है जो काफी फेमस भी है, जैसे एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन हो गया, दूसरा डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन किसे बोलेंगे, डबल बॉन्ड के ऊपर दो OH, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट करना, बनने वाला कंपाउंड कायरल होगा, इसलिए एसिमेट्रिक वर्ड काम में लेते हैं। और तीसरी एक फेमस रिएक्शन और थी जो शार्पलेस के द्वारा दी गई, एमिनो हाइड्रोक्सिलेशन। नाम से ही पता लग रहा है, एमिनो और हाइड्रोक्सी दो ग्रुप जस्ट नियर कार्बन पे जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से। तो तीन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है शार्पलेस की, इन तीनों के लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया था, और इस इनका यूज जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नए नए मॉलिक्यूल्स जनरेट करने में, फंक्शनलाइजेशन करने में, या रिएक्शन सीक्वेंस आगे बढ़ाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी खास बात यह थी, एसिमेट्रिक जो वर्ड इसमें काम में लिया गया है, उसमें बनने वाला इनिश्यूमर्स जो बनते हैं इसमें, वो अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं, और इतनी अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं कि एक इनिश्यूमर तो ना के बराबर बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, हाई इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन हाईली इनेंशियो सेलेक्टिव होता है, क्योंकि इसकी एनेंशियोमेरिक एक्सेस पढ़ेंगे अपन, एनेंशियोमेरिक एक्सेस बहुत ज्यादा होती है। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला, 2001 में। अकेले शार्पलेस को नहीं मिला, दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एसिमेट्रिक हाइड्रोजिनेशन पे काम किया। शार्पलेस ने ऑक्सीडेशन पर काम किया, ऑक्सीडेशन कौन कौन से, इपोक्सीडेशन हो गया, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो गया, एमिनो हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। यह पहला प्रैक्टिकल मेथड था, एसिमेट्रिक इपोक्साइड बनाने का पहला प्रैक्टिकल मेथड था। इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल, रिएक्शन किससे स्टार्ट करते हैं, इसका सबस्ट्रेट है एलाइलिक एल्कोहल, और एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, इधर मैंने एलाइलिक एल्कोहल बना रखा है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये एलाइलिक एल्कोहल होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और इपोक्साइड कहां बनाएंगे, इस डबल बॉन्ड के ऊपर इपोक्साइड जनरेट करते हैं, यहां थ्री मेंबर रिंग बनेगी। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन में एलाइलिक एल्कोहल इसका तो सबस्ट्रेट हो गया, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, कायरल इपोक्सी एल्कोहल। बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, कायरल इपोक्सी एल्कोहल होता है, और बनने वाला प्रोडक्ट, यहां दो इनिशियोमर बनते हैं,
हो सकता है कि ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, वो अबो द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, दो बनते हैं, लेकिन एक ये एक इनेंशियोमर 90% से भी ज्यादा बनता है। मतलब इसकी इनेंशियोमेरिक एक्सेस, किसे कहते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस, दो इनेंशियोमर में से अगर कंपेरिजन करें तो एक इनेंशियोमर दूसरे इनेंशियोमर के कंपेयर में कितना ज्यादा बन रहा है, इसे कहते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एलाइलिक एल्कोहल के साथ में कैटलिस्ट और काइरिल रिएजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन लिया। ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन तीन केमिकल्स का है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ये रहा टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड लिया जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहां पर। दूसरा लिया डीईटी डाई इथाइल टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड जानती है, उन दोनों टार्ट्रिक एसिड में से जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पर अगर अपन एस्टर बना दें तो डाई इथाइल टार्ट्रेट कहलाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, प्लस डीईटी या माइनस डीईटी। और तीसरा इसमें जो कॉम्बिनेशन लिया था इसके साथ में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इपॉक्साइड में जो ये ऑक्सीजन आता है ये वाला, ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, टीबीएचपी, इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिख रखा है, इसको रिप्रेजेंट करने का TBUOOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यह है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड। तो जब भी सैंपलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन हम बढ़े तो हमें क्या याद रखना है, एलालिक एल्कोहल इसका सबस्ट्रेट है और रिएक्शन कंडीशन क्या क्या है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, डाइथाइल टार्ट्रेट जो प्लस या माइनस हो सकता है, तीसरा टीबीएचपी एक ऑक्सीजन सोर्स होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड और टीबीएचपी तो अपन क्या काम में लेते ही लेते हैं, लेकिन यदि अगर रिएक्शन में प्लस डीईटी लेते हैं या रिएक्शन में माइनस डीईटी लेते हैं, मतलब प्लस डाइथाइल टार्ट्रेट माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट लेते हैं, तो दोनों में बनने वाला प्रोडक्ट अलग अलग होता है। यहां अगर देखें तो ऑक्सीजन कहां से ऐड हो रहा है, बिलो द प्लेन, और अगर माइनस डीईटी लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां ऐड हो रहा है, वो द प्लेन। ध्यान देना, एलाइलिक एल्कोहल को मैंने साइक्लिक फॉर्म में लिया है ताकि रिएक्शन अपन इजीली समझ सकें। अपन चाहें तो सिंपल एलाइलिक एल्कोहल का मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर भी इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। तो ये एलाइलिक एल्कोहल सिस्टम ले लिया, प्लस डीईटी लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि हम प्रोडक्ट को, मेजर प्रोडक्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं सैंपलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन के अंदर। एल्कोहलिक ग्रुप एज इट इज रहेगा, देखो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन कहां ऐड होगा, इस डबल बॉन्ड पे, और ये वाला ऑक्सीजन कहां, बिलो द प्लेन। ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म काफी टिपिकल भी है और बहुत इसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है टाइटेनियम के साथ में और डीईटी के साथ में, जिसको अपन जनरल वे में अपन एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि एलालिक एल्कोहल प्लस डीईटी लेंगे तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ऑक्सीजन बिलो द प्लेन होगा, माइनस डीईटी लेंगे अबो द प्लेन होगा। लेकिन ध्यान देना, हर बार ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका जो ये एल्कोहल है, ये एलालिक एल्कोहल, इसमें डबल बॉन्ड के नीचे के साइड में CH2OH, ये ग्रुप किधर है, दाईं तरफ है। देखो ये डबल बॉन्ड ये हो गया, कर्सर की तरफ देखते जाना, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हमेशा वर्टिकल रखना, और वर्टिकल रखने के बाद में देखना कि जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है CH2 के साथ में, ये डबल बॉन्ड के ऊपर के साइड में आ रहा है या डबल बॉन्ड के नीचे, डबल बॉन्ड के नीचे के साइड में, इसलिए बोलूंगा बॉटम, और ये राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है, ये आ रहा है राइट में, तो इसे बोलेंगे CH2OH हाइड्रोक्सी ग्रुप का है बॉटम राइट। अगर CH2OH बॉटम नीचे के साइड में है और राइट में है, बॉटम राइट है, तो प्लस डीईटी से हमेशा ऑक्सीजन बिलो द प्लेन ऐड करनी है, और माइनस डीईटी के साथ में हमेशा ऑक्सीजन कहां ऐड करना है, आपको अबो द प्लेन ऐड करना है। तो ये दो एग्जांपल अपन ने लिए हैं, एक प्लस डीईटी के साथ में और दूसरा माइनस डीईटी के साथ में। अब अपन क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म हुई है, किस तरह का कॉम्प्लेक्स में बनता है। सबसे पहले क्या होता है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, यहां लिख रखा है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड प्लस जीट क्या, माइनस जीट डाइथाइल टाइट्रेट के साथ में एक डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। याद रखना आपको, कॉम्प्लेक्स काफी टिपिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपन नहीं लिखेंगे यहां पर, इसे टाइटेनियम टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
जब टेट्रा टीबीएचपी एडेड टू दिस कॉम्प्लेक्स इट कन्वर्ट्स इनटू एन ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स। जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ में हम टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स इसमें चेंज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स में। ध्यान देना ये ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिखा है इसमें कितना कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी हो गया, डाइथाइल टाइट्रेट भी हो गया और टीबीएच के मॉलिक्यूल भी जुड़ गए और यहाँ ये लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म से होता है। कुछ आइसोप्रोपोक्साइड लिगेंड के फॉर्म में बाहर भी निकल जाते हैं, उसके जगह दूसरे लिगेंड जुड़ जाते हैं। सबसे लास्ट स्टेप में कौन ऐड होगा? एलाइलिक अल्कोहल। और ये एलाइलिक अल्कोहल और ये टीबीएचपी उस टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं, एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, जस्ट आमने सामने एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। तो ये मैकेनिज्म पार्ट हो गया। अब इसके खास बात रिएक्शन की, मैंने पहले भी बता दिया कि हम रिएक्टेंट को देख करके बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट वी कैन इजिली प्रिडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। हम मेजर प्रोडक्ट का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। माइनर प्रोडक्ट लेस देन 10% बनता है, नए के बराबर बनता है। अब आपको प्रोडक्ट पहचानने के लिए, प्रोडक्ट पहचानने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, फर्स्ट अरेंज एलाइलिक अल्कोहल विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉटम राइट। इस बॉटम राइट का मतलब मैंने बता दिया था, सबसे पहले डबल बॉन्ड आपका कहां होना चाहिए? वर्टिकल पोजिशन पर, जिसमें बना रहा हूं यहां पर। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लिख रखा है यहां पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना चाहिए डबल बॉन्ड के राइट साइड में होना चाहिए, इधर राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। अगर इस तरह से बॉटम में CH2 जुड़ा हुआ ओवर बॉटम की तरफ और नीचे की साइड में राइट में आ रहा है तो प्लस DET डिलीवर्स ऑक्सीजन एटम ऑफ द TBHP टू द लोअर फेस। लोअर फेस का मतलब क्या हुआ? प्लस DET लेंगे तो ऑक्सीजन बिलो द प्लेन से ऐड होगा, जिसको अपन ने क्या किया था, डैश लाइन से अपन ने शो किया था। और माइनस DET लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां से होगा? अपर फेस से, मतलब अबो द प्लेन ऑक्सीजन ऐड होगा, जो अपन ने एग्जाम्पल में पहले भी डिस्कस कर लिया था। किस तरह से ऐड हो रहा है, यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें वही मॉलिक्यूल लिया है, 3D बनाने की कोशिश की है। अगर आप माइनस DET के साथ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो ऑक्सीजन किधर से जुड़ेगा? अबो द प्लेन, ऊपर की साइड से, अपर फेस ऑफ एल्किन। लेकिन अगर आप प्लस DET लेते हैं तो ऑक्सीजन किधर से जुड़ेगा? लोअर फेस की तरफ से, मतलब ऑक्सीजन बिलो द प्लेन रहेगा। और माइनस DET लेंगे तो ऑक्सीजन आपका अबो द प्लेन रहेगा। दोनों बनने वाले एपोक्साइड्स अलग अलग होते हैं, एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा, तभी से एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। इसमें कायरल सेंटर बनता है प्रोडक्ट में, आप देखना इसका। अगर प्रोडक्ट हम वापस देखें तो इस प्रोडक्ट में देखना आपको कायरल सेंटर आपको दिखेंगे कि यहां देखो कायरल सेंटर जनरेट हुए हैं, कायरल सेंटर जनरेट होते हैं। अब देखो यहां एक और है, डाइथाइल टार्ट्रेट की जगह कई बार DIPG डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, बस इथाइल की जगह क्या ले लिया, आइसोप्रोपाइल लेते हैं रिएक्शन की सेलेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कुछ रिएक्शंस में सेलेक्टिविटी बढ़ती है, बाकी सेलेक्टिविटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम ही है। तो प्लस DET की जगह प्लस DIPT भी आ सकते हैं, माइनस DET की जगह माइनस DIPT भी आ सकता है। सिंपल एग्जाम्पल और लिया है, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको मेजर प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इस एलाइलिक अल्कोहल को आप ढंग से देखिए। अगर इसे आप रोटेट करके देखें, इधर थोड़ा सा हल्का सा इस डायरेक्शन में अगर इसको रोटेट करें, हल्का सा मतलब लगभग 30-40 degrees, ताकि डबल बॉन्ड क्या है वर्टिकल में, वर्टिकल में आने के बाद देखना ये OH और CH2 किधर आएंगे, राइट साइड में, बॉटम पर है राइट साइड में। और बॉटम राइट अगर होगा तो प्लस DET लेंगे तो ऑक्सीजन कहां होगा, बिलो द प्लेन होगा। आसानी से प्रोडक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन, अगर किसी कंपाउंड में दो एल्कीन, दो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन हमेशा एलाइलिक वाले डबल बॉन्ड पर ही होगा, क्योंकि इधर कोई OH नहीं है, इधर OH है। एलाइलिक अल्कोहल के अलावा सिंपल एल्किन लेते हैं तो सारप्लेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना।
तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से, दोनों डबल बॉन्ड में से इस रिएजेंट ने किसको सेलेक्ट किया है, किसको चूज किया है? एलाइलिक वाले डबल बॉन्ड को, इसलिए क्या कहते हैं इसको? कीमोसेलेक्टिव। कौन सा ग्रुप सेलेक्ट होता है, कौन सा ग्रुप रिएक्ट करता है, तो इसे कीमोसेलेक्टिविटी भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कीमोसेलेक्टिव होता है, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेगा नहीं अगर एल्कोहलिक के कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो एलाइलिक डबल बॉन्ड को ही ये ऑक्सीडाइज करता है, इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपन ये ले रहे हैं, ध्यान देना रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये तो एक तरह से क्या हुआ, ये एक सब्सटेंट मान लेते हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमारा एलाइलिक सिस्टम ये है, इधर वाला ये एलाइलिक सिस्टम है, और यही एलाइलिक सिस्टम अपन को यहां पर डिस्कस करना है। अब इस एलाइलिक सिस्टम में देखना कि ये बॉटम लेफ्ट है या बॉटम राइट है। अगर बॉटम राइट है तो हम ये देख चुके हैं कि बॉटम राइट होगा तो माइनस डी आई पी डी आई माइनस डी ई टी लेंगे तो प्रोडक्ट कहां आएगा, अबो द प्लेन, लेकिन यहां तो बिलो द प्लेन आ रहा है। अब देखना इस डबल बॉन्ड को आप वर्टिकल पोजीशन पे लेके आना, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन पे लेकर आएंगे मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड को वर्टिकल में लाने के लिए हमेशा क्या करना, रोटेट करना, कभी भी मॉलिक्यूल को पलटना मत। तो इस मॉलिक्यूल को इधर घुमाओ, थोड़ा सा इधर घुमाएंगे तो देखना OH किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो बॉटम राइट हुआ, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट होगा। अगर बॉटम राइट होता तो माइनस डी टी से अबो द प्लेन आता ऑक्सीजन, ये बॉटम लेफ्ट आया है तो बॉटम लेफ्ट अगर आ गया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देना। माइनस डी टी क्या देता था बॉटम राइट के साथ में, अबो द प्लेन, लेकिन ये बॉटम लेफ्ट है इसलिए माइनस डी टी या माइनस डी आई पी टी से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बिलो द प्लेन वाला ऑक्सीजन। तो बॉटम राइट होगा तो वही प्रोडक्ट जो अपन पढ़ चुके हैं, और बॉटम लेफ्ट होगा तो प्रोडक्ट आप रिवर्स कर देना, वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये सापलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, इसके अपन ने तीन चार एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, तो एग्जाम के हिसाब से आपके थ्योरी भी थोड़ा बहुत आपको लिखना है। जनरल आइडिया मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म बहुत टिपिकल है, इजीली समझ में लाइक नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें बनते हैं, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे ना वो पूछेंगे इसमें। बस आपको मेजर प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करना है ये आना चाहिए। नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कई बार डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लेता है, किसी रिएक्शन के अंदर बीच में कोई एक स्टेप एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की भी डाल देते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल अपन ने लिया है, ये एक रिएक्शन सीक्वेंस ली है, फिर रिएक्शन सीक्वेंस में क्या एक डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड के अंदर एलाइलिक एल्कोहल, ध्यान देना ये एलाइलिक एल्कोहल आपको दिख रहा है, लेकिन गौर करना क्या ये CH2OH बॉटम पे है क्या, नहीं है, ऊपर के साइड में, किसके ऊपर साइड में, ये डबल बॉन्ड देखो नीचे और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो पूरा इसको 180 रोटेट कर दो, 180 पे रोटेट कर दो, फिर देखना ये OH किधर आएगा, बॉटम राइट आएगा, और बॉटम राइट आएगा तो माइनस DET से क्या बनता है, अबो द प्लेन वाला इपोक्साइड बनता है, अपर फेस पर ऑक्सीजन एड होगा, ये इपॉक्साइड बन गया। अब दूसरा रिएजेंट क्या लिया, पीडीसी देखो जनरल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, और पीडीसी का पूरा नाम क्या, पिरिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ये क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आपको देखो CH2OH दिख रहा है, ये किस में चेंज हो गया, CHO। नेक्स्ट क्या लिया यहां पर, इसे कहते हैं फॉस्फोरस इलाइड, विटिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड और फॉस्फोरस इलाइड के बीच में होगा, तो यहां ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, PPH3 के साथ में, और ये डबल बॉन्ड सीधा किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ में, तो बनने वाला आपका नया बॉन्ड ये रहा, सीधा अटैच हो गया, बन गया। अब क्या कर दिया, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करा दिया, इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस है, जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, यहां आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हटा देंगे, ए बी सी लिख देंगे, पूछेंगे ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, तो इजीली अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये रेफरेंस है, अगर आपको मोर डिटेल और चाहिए इस इपॉक्सीडेशन के बारे में तो ये कुछ बुक्स हैं, फेमस बुक ग्लेडन अच्छे एग्जांपल है, नेम रिएक्शंस की बुक है, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस ऑफ नेम रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और विलियम कैरुथर, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं तीनों के तीनों, तो आप मोर डिटेल के लिए इन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे,
विद मैकेनिज्म विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो पीडीएफ जो मैं आपको जिससे मैं समझा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सको। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डाउनलोड कर लेना, फिर आप आराम से उससे नोट्स बना सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि जो भी रिएक्शन मैं समझाऊं उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको भी इजी रहे, वीडियो को बार बार रोकना नहीं पड़ेगा और इजीली नोट्स बन जाएंगे। तो ये मैटर मैं पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू।